नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी से ये बात करने वाला हूँ कि एक और नया नोटिफिकेशन, एक और नई जॉब जो है आपके लिए रिलीज करी गई है, जो कि NIACL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से ये जॉब रिलीज करी गई है पूरे भारत भर के अंदर। आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान कंट्री के अंदर ये नई जॉब जो है वो रिलीज करी गई है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म जो है वो अगस्त में ओपन होने वाले हैं। अगस्त के फर्स्ट डे से 2023 में इसके लिए जो है आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे। साथ में इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी, वो भी यहाँ पर बता दी गई है, वो है 21 अगस्त। यानी कि अगर आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के साथ। यहाँ पर जो है 450 से भी ज़्यादा, 450 से प्लस पोस्ट पर जो है यहाँ पर जॉब निकाली गई है, जिसके लिए मैं इस पूरे वीडियो के दौरान बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी NIACL की, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट। ये देख सकते हैं, ये उसका लिंक है, और इसी वेबसाइट पर आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इस जॉब का, जिसको मैं जो है अब यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले इस जॉब के लिए आपका शॉर्ट नोटिस निकाला गया था, 2 से 4 दिन पहले, और नोटिफिकेशन आपका जो है वो, इसका नोटिफिकेशन जो है 27-28 के डेट में आ चुका है। 27 जुलाई 2023 के डेट में जो है आपका इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको हम आज पूरा इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और रही बात इसके आपके एप्लीकेशन लिंक की, नोटिफिकेशन की, और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट और जो भी चीज़ें होंगी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होंगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जॉब से रिलेटेड कुछ भी ढूंढने में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपने शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा। इस नोट शॉर्ट नोटिस के अंदर ये बताया गया था, ये शॉर्ट जो है, ये आपका जो इमेज है, ये जो है पेपर का है, अखबार का है, आप इसको देख सकते हैं। ये अखबार में भी आपको मिल जाएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी है, जो कि सरकारी कंपनी है, यानी कि आपकी जो जॉब रहेगी वो गवर्नमेंट जॉब रहेगी। मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इसकी एलिजिबिलिटी, अगर इसमें सिलेक्शन हो रहा है आपका तो कोई एग्जाम लेकर होगा क्या, और अगर वो एग्जाम लेकर होता है तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा इस जॉब के लिए, वो डिस्कस किया जाएगा। उम्र सीमा कितनी रखी गई है, एज लिमिट, और बाकी सब कुछ, यानी कि आपके फॉर्म भरने से लेकर आपका जॉब मिलने तक का कैसे जो है पूरा प्रोसेस रहेगा, सबको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 पे लिया जा रहा है यहां पे, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी एक तो जनरलिस्ट की और दूसरा जो है आपका स्पेशलिस्ट, इन दोनों पोस्ट पे लिया जा रहा है। और ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर लिखा है, उसको जो है दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप समझिए, यहाँ पर एक तो रिस्क एंड इंजीनियर को लिया जाएगा, रिस्क इंजीनियर्स जो होंगे 36 इंजीनियर्स को ऐसे को लिया जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 96 लिए जाएंगे, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, IT, जर्नलिस्ट, इस तरह के जो पोस्ट है टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे जर्नलिस्ट के सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे 120, और बाकी उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर का पोस्ट है जिसकी संख्या ज़्यादा है 96, और उसके बाद यहाँ पर आता है 75 जो कि हेल्थ से रिलेटेड, फिर लीगल से रिलेटेड जो है 70 रहेगा, और उसके बाद आप इस तरीके से 36 और 30 और अलग अलग जो आप देख रहे हैं, टोटल यहाँ पर 450 वैकेंसी होने वाली है। देखिए, शॉर्ट नोटिस बहुत अच्छा है कि उसमें आप इसमें आराम से देख सकते हैं सब कुछ। इसमें आपको दिख सकता है कि भाई एज जो है, अगर कैंडिडेट को बता दूं, मिनिमम एज यहाँ पे 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जो 1 अगस्त 2023 को 21 साल के हो रहे हैं या उससे पहले ही हो चुके हैं, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में वो कैंडिडेट जो 30 साल के हो रहे हैं इस 1 अगस्त 2023 को, या फिर उसके बाद होंगे 30 साल के, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
यानी कि इस डेट के तक आप 21 प्लस होने चाहिए और 30 लेस होने चाहिए। अगर इस एज के बीच में अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है जनरली एज का बताया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है तो कहीं ना कहीं एज में छूट मिलेगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ग्रोस जो एब्ल्यूमेंट रहेगा, एम्ब्लूमेंट रहेगा, मतलब कि आपको कितना जो है यहाँ पे सैलरी होगी मेट्रोज इन मेट्रोज अप्रोक्स। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पीएम यानी कि पर मंथ होता है 80,000, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 रुपये जो है एक महीने में मिलने वाले हैं यहाँ पर सैलरी के तौर पर, अगर आप यहाँ पर जॉब जो है करते हैं तो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से 21 अगस्त तक भरे जा रहे हैं। फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ रेफर। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट जो है न्यू इंडिया को डॉट इन की वेबसाइट है, यानी को मतलब यहाँ पर जो है कंपनी रहेगा। देखिए रिगार्ड एंड हेड ऑफिस जो है इसका 87 MG रोड फोर्ट मुंबई में है। अब देखिए ये आपका जानना जरूरी नहीं है हेड ऑफिस और इन सब से रिलेटेड बात, शॉर्ट नोटिस ये था। अब मैं इसके डिटेल नोटिस को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि नोटिफिकेशन आपका रहेगा पूरा उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो कंपनी है इंश्योरेंस वाली, इसके अंदर जॉब ली जा रही है, आपको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, यानी आपको लिया जा रहा है। यहाँ पर जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट रहेगा, स्केल 1 का रहेगा न्यू। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ टोटल जो यहाँ पे 450 ऑफिसर्स को लिया जाएगा, जिसमें जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट को लिया जा रहा है। स्केल 1 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। वैकेंसीज टेंटेटिव होती हैं, आप देखेंगे ज्यादातर क्या होता है जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो टेंटेटिव बोला जाता है, क्योंकि वैकेंसी मतलब होता है कि कितने लोगों की जरूरत होती है उस कंपनी में। तो आप देख सकते हैं ये वैकेंसी कभी भी चेंज हो जाती है, ये बढ़ भी जाती है घट भी जाती है, उनके ज़रूरत के हिसाब से होता है। लेकिन आप मान के चलिए यहाँ पे 450 हैं तो 400 प्लस तो वैकेंसी पक्का रहेंगे, और थोड़ा बहुत जो इसमें चेंज हो सकता है। आप ये देखिए 450 वैकेंसी में आप देखेंगे तो रिस्क इंजीनियर, और मैंने सब कुछ आपको बता दिया है टोटल वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितने हैं वो मैंने आपको बताया अभी। साथ में आपको बता देता हूँ रिस्क इंजीनियर में भी आप देख सकते हैं, अगर आप स्केड्यूल कास्ट हैं तो 5 ऐसे लोग हैं जो स्केड्यूल कास्ट कैटेगरी से लिए जाएंगे, 3 ऐसे लोग हैं जो स्केड्यूल ट्राइब से, 10 लोग OBC से, और 3 लोग EWS से, और 15 लोग जो है आपके UR कैटेगरी से, मतलब जो ऐसे कैंडिडेट जो किसी रिजर्वेशन में नहीं आते वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, वैसे कैंडिडेट 15 रहेंगे। HIVI ये सब डिसेबिलिटी होती है, इस डिसेबिलिटी को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी जर्नलिस्ट की है, जर्नलिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज भी टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगा, देखेंगे आप, देखिए UR मतलब अनरिजर्व, SC मतलब स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब, ये सब आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, VI मतलब कि विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये सब आपके लिए है। तो ये सब जो है उन कैंडिडेट्स के लिए लिखा गया है जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, तो वो समझ पाएँ कि उनको डिसेबिलिटी जो भी होगी वो इस कैटेगरी में आएगी। जो कैंडिडेट, देखिए कैंडिडेट अगर OBC कैटेगरी से है बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइल्ड टू OBC रिजर्वेशन एंड एज रिलेक्शन दे शुड इंडिकेट देर कैटेगरी एज जनरल। देखिए यही चीज़ होती है, OBC वाले कैंडिडेट को ये बात समझनी होगी कि OBC में भी आपके दो कैटेगरी होते हैं, एक तो NCL XCL, CL मतलब क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी जो सैलरी होती है वो 8 लाख से कम होती है पूरे फैमिली की मिला के, और क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी सैलरी या जिनकी जो पूरे साल का जो इनकम होता है वो 8 लाख से जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है और ये चेंज होता रहता है। 8 लाख है, कभी उसका 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अभी 8 लाख है तो उस बात को आप देख के चलिए। तो वो उस तरीके से आपको बता दूं, अगर इसमें आप आते हैं तो आप 8 लाख से ऊपर वाले में क्रीमी लेयर में आएंगे और नीचे वालों में नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन अंडर वेरियस कैटेगरी विल बी एज पर प्रीवेलिंग गवर्नमेंट गाइडेंस एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग फाइनलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ नेशनैलिटी, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से अप्लाई करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, पूरे इंडिया पूरे भारत भर के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप नेपाल से चाहें भूटान से चाहें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा जो नेपाल भूटान जैसे कंट्रीज
से है, और वो अब फाइनली उनके जो फैमिली में पहले के जो जनरेशन वाइज रहे हैं उनके पूर्वज, वो अगर शिफ्ट हो चुके हैं 1 जनवरी 1962 या उससे पहले या उसके बाद में वो शिफ्ट हो गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हु केम ओवर टू इंडिया इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया और या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जम्बिया और आपका मलावी, जेर, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, मतलब कि सेटल्ड। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसे हैं, ऐसे कैंडिडेट या ऐसे लोग देख रहे हैं ये जो वैकेंसी की वीडियो देख रहे हैं जॉब की, इसमें आपको बता दूं अगर आप नेपाल या भूटान जैसे कंट्री से देख रहे हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप परमानेंटली इंडिया के अंदर शिफ्ट हुए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले। ये बात आप देख लीजिए, इस डेट से पहले पहले शिफ्ट होना ज़रूरी था आपका, मतलब ये है यहाँ पे आप नहीं तो आपके जो है आपकी जो फैमिली में पहले के जो जनरेशन रहे हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे इस चीज़ को। प्लीज़ नोट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको पहले ही बताई, 21 अगस्त जो है लास्ट डेट रहेगी। इसमें देखिए आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, दो फेज़ में एग्ज़ाम होगा, पहला फेज़ का एग्ज़ाम और दूसरा फेज़। पहले फेज़ में ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल एग्ज़ाम, दूसरे फेज़ में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब रहता है वहाँ पे MCQ हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में जो है आपका जो है शायद वहाँ पे जो है वो डिटेल्ड रहता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा 9 सितंबर को और एक होगा 8 अक्टूबर 2023। ये टेंटेटिव है, इसको चेंज किया जा सकता है, आप इस डेट को अभी फाइनल मानिए क्योंकि अभी इसमें जो है क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए यही वेबसाइट पर आना है जो कि 1 अगस्त से जो है ओपन हो जाएगा। एनी वन डिसिप्लिन ओनली, एप्लीकेशन मेड मोर देन वन डिसिप्लिन विल रेंडर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इनवैलिड। देखिए यहाँ पे बोला है एक ही एप्लीकेशन भरी जाएगी, यहाँ पर आप समझिए आप कोई भी एक जना जो है एक कैंडिडेट जो है एक पर्सन जो है वो एक ही फॉर्म को भरेगा, एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं है आप सोचें कि भाई मैं एक फॉर्म भर देता हूँ फिर दूसरा भी भर देता हूँ जिससे मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, फॉर्म एक ही भरा जाएगा। सर्विस कंडीशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये चेंज होते रहते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अपॉइंट मे बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया एज मे बी डिसाइडेड बाय द कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट। मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स। कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्टीम मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द सेम स्पेसिफिकेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। दे विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज पर कंपनी रूल। मतलब आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ पर जॉब लेते हैं तो यहाँ पर आपको पहले बता दिया गया सर्विस कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पर जो इसको भी अपॉइंट किया जाएगा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा इस जॉब के लिए, उसको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। जैसे आपका अगर होम टाउन जो है, आप अगर मान लीजिए पंजाब जैसे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं और आपको यहाँ पर जॉब दी जाती है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर तेलंगाना, या फिर दूसरे तमिलनाडु, असम या ऐसे राज्यों में दे दी जाती है, तो आपको वहां भी ये जॉब करनी पड़ सकती है क्योंकि यहां पर कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कहां जॉब देनी है, कहां पर देनी है। प्रोबेशन आप देख सकते हैं, कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर कैडर ऑन रेगुलर पे रोल्स ऑफ द कंपनी शैल बी एंड प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग द ड्यूटी। द प्रोबेशन पीरियड मे बी एक्सटेंडेड ट्वाइस बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट अ टाइम स्क्रैचिंग अप टू 1 ईयर। ड्यूरेशन द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द ऑफिसर वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द नॉन लाइफ लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द Insurance Institute of India. Only after passing the said examination the officer will be eligible for confirmation of his service in the company. Failure to pass the said examination within the extended probation period will render the officer liable to be terminated from service on expiry of the period so specified. अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये गारंटी बॉन्ड है, यहाँ पे एक गारंटी बॉन्ड होगा, मतलब बिफोर जॉइनिंग इन प्रोबेशनर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। देखिए यहाँ पे एक होता है प्रोबेशन पीरियड,
एक तो होता है आपका प्रोबेशन पीरियड और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 साल। अगर आप देखिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं जॉब, ये जो जॉब है आपकी, अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बता दिया गया है कि आपको जो है 4 साल का जो है कम से कम काम करना पड़ेगा और प्रोबेशन के रिलेटेड भी यहाँ पे जानकारी हो जाती है। प्रोबेशन मतलब आपका वही रहता है जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पूरा पैराग्राफ, वो प्रोबेशन से रिलेटेड डिटेल थी, उसको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि आपको सैलरी जो रहती है, जो आप काम करते हैं उसके लिए जो पैसे मिलते हैं वो, और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे उसको डिस्कस करते हैं। बेसिक पे तो आपको बता दिया गया 50,925 रुपये बेसिक पे। मैंने आपको अभी ऊपर 80,000 जो बताया था प्रीवियस नोटिस के अंदर, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्रॉस टोटल अगर होगा जो, वो जो है वो 80,000 रुपये के करीब पहुंचेगा पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स। अदर बेनिफिट सच एज कवरेज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्न बाय PFRDA, ग्रेट्यूटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा सेल बी एज पर रूल्स इन फोर्स इन द कंपनी एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। द ऑफिसर आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर कंपनी एकोमोडेशन एज पर नॉर्म्स। मतलब आप समझिए कि टोटल आपको पर मंथ जो होगा वो 80,000 ही होगा, उसमें और अलाउंस होंगे जिसके कारण वो 80,000 होगा, लेकिन अगर आप बेसिक माने तो बेसिक आपका जो है 50,925 रुपये बेसिक जो है, ये तो आपके कन्फर्म होंगे ही होंगे। इसके ऊपर जो रहेगा वो सब मिला के जो है वो 80,000 होगा, ये पर मंथ का बता रहा हूँ। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको डेट बता ही दी थी, जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और स्पेशलिस्ट के लिए अलग लिखी हुई है। सबसे पहले आप समझिए जर्नलिस्ट के लिए कैंडिडेट को जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि वो ग्रेजुएट हो या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट की हो वो भी ठीक है, स्टेट की हो तो भी ठीक है, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड एट लीस्ट 55% मार्क्स। देखिए आपके जो डिग्री परसेंटेज होंगे वो 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था, आपने जो भी ग्रेजुएशन में डिग्री करी हो, वो कोई सी भी डिग्री हो सकती है जर्नलिस्ट के लिए, तो उसमें आपसे बोला गया कि अगर आपका 200 नंबर का पेपर हुआ तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए, यानी कि 120 मार्क्स प्लस उसके होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। सेम अगर आप इसमें SC ST रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये 5% का है, 5 मार्क्स का नहीं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉलोज। रिकॉग्नाइज्ड वो भी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ से भी अगर आपने स्पेशलिस्ट के लिए भी डिग्री करी है। रिस्क इंजीनियर में बोला गया है कि आपने इंजीनियरिंग करी हुई हो, जी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने दोनों कर लिए अच्छी बात है, एक भी सही रहेगी इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60% मार्क्स जो कि आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जिसमें आपका रिस्क इंजीनियरिंग जो है वो प्राइमरली इन्वॉल्व होना चाहिए आपके उस डिग्री के पूरे कोर्स के अंदर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेमेस्टर में वो मेन सब्जेक्ट के तौर पे या फिर सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में आप देख सकते हैं BE BTech MEM Tech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से कुछ भी है 60% मार्क्स के साथ तो वो आपका ऑटोमोबाइल में एक्सेप्ट होगा। ऑटोमोबाइल में अगर आपका ग्रेजुएशन है मैकेनिकल इंजीनियर में 60% के साथ टुगेदर विद साथ में आपका डिप्लोमा हो एटलीस्ट 1 साल का तो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। लीगल ऑफिसर के लिए आप देख लीजिए ग्रेजुएशन देखा जा रहा है लॉ के अंदर जो कि 60% मार्क्स के साथ एक्सेप्ट होगा। सेम इसी में अकाउंट्स में भी आप देख सकते हैं जिसमें आपका CA चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आपका ICAI जो कि चार्टेड अकाउंटेंट से रिलेटेड है वो, और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन कैटेगरी में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये आपका अलग अलग लिखा हुआ है पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं। अब ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनकी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि जर्नलिस्ट में तो कॉमन बोल दिया है कि वो किसी भी डिग्री हो सकती है, वो तो कोई सी भी हो सकती है। IT स्पेशलिस्ट में MCA होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ या फिर PE BTech जैसे डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में।
तो ये आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिए, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको देख सकते हैं ध्यान से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं सारे पॉइंट, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम में हमें सारा कुछ डिस्कस करना होता है। सबसे पहले मिनिमम एज मैं आपको बता देता हूँ, 21 से 30 मैंने आपको बता दी है, डेट भी बता दी है। यहाँ पर एक एक चीज़ दे दी गई है कि 2 अगस्त 1993 से लेकर आपका जो है 1 अगस्त 2002 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एप्लीकेबल रहेंगे। रिलैक्सेशन होगा एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का और डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल का, इस तरीके से रिलैक्सेशन है एज के अंदर। डिफेंस से अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन है और बाकी आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ता हूँ, इसमें देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के मतलब बता दी गए, ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन हु फुलफिल द रिवाइज डेफिनेशन एज लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों में होंगे तो वो आ जाएंगे एक्स सर्विसमैन में। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन अलग होंगे। पर्सन डिसेबिलिटी में कौन कौन आएंगे वो बता दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि ब्लाइंड हो, लो विज़न हो, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, OA या फिर OL, OAL, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब आपको पता होगा अगर आप इसी डिसेबिलिटी में आते होंगे। वैसे नोटिफिकेशन में आपको बताया भी जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसेबल कैंडिडेट के लिए, तो ये ज़रूर पढ़ने हैं आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए डिसेबल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो डिसेबिलिटी के लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है फॉर्म भरते में। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दिया था मैंने, 2 फेज़ में एग्ज़ाम हो रहा था, जो पहला फेज़ था उसको प्रीलिम्स बोल दिया गया है। प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं 100 मार्क का पेपर हो रहा है, ऑनलाइन में होगा और इट वुड कंसिस्ट 3 सेक्शन में जो है 3 सेक्शन रहेंगे पेपर के अंदर। एक उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि तीनों ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रहेगा, जो कि 35 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश आएगा, टोटल 100 मार्क्स हो गए। 20 देखिए ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट सेक्शन सेपरेटली टाइम्ड। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर कि आपको 1 घंटे में पेपर तो करना है लेकिन हर सेक्शन पर 20-20 मिनट लगाने, उससे ज़्यादा नहीं लगाने। ये एक आप देख सकते हैं वर्जन मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में होंगे, बाकी ये 2 सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं 2nd एंड 3rd के अंदर, ये दोनों सेक्शन जो आपके होंगे वो बायलैंग्वल होंगे, मतलब कि 2 लैंग्वेज में होंगे। कैंडिडेट को जो है ई टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द कंपनी, एफिशिएंटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये जो एग्ज़ाम 1 घंटे में हो रहा है आपका, इसमें आपको हर एग्ज़ाम में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। मेनली क्या होता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका 1/3 से ऊपर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, लेकिन हो सकता है कि कंपनी जो है आपका कुछ और मार्क्स बता दे। यहाँ पर आप मान के चलिए 1/3, वैसे उसके ऊपर भी हो सकता है। 1/3 मतलब आप पहला वाला पार्ट देख रहे हैं तो 30 में से आपको 10+ लाने हैं, दूसरे में आपका 35 है तो यहाँ पर आपको 12-13+ लाने हैं, सेम इस तरीके से रहेगा। हो सकता है ये नंबर 15 भी पहुँच जाए, 20 भी पहुँच जाए, तो ये हो सकता है। मेन एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। मेन वही देंगे जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे इस जॉब के लिए। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन होगा, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाई टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, टाइपिंग ऑफ द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पर टाइपिंग होगी आपकी, टाइपिंग टेस्ट रहेगा या फिर टाइप करके करना है। Immediately after completion of objective test, descriptive test will be administered. मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो आपका पार्ट रहेगा क्वेश्चन पेपर का, वो ख़त्म होते ही आपका जो है आपका डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट आपको करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको बता दूँ 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स का होने वाला है, यानी आप देखेंगे तो अगर इसको मिनट्स में स्प्लिट करके बताऊँ मैं तो ये आपका हो जाएगा 120+30 यानी कि 150 मिनट्स में आपको ये पूरा पेपर करना है। जर्नलिस्ट के लिए आप देख सकते हैं मेंस का पेपर अलग रहेगा जर्नलिस्ट के लिए, और दूसरे स्पेशलिस्ट जो कि अलग अलग पोस्ट उनके लिए अलग है। जर्नलिस्ट में नेम ऑफ टेस्ट आप देख सकते हैं नॉट इन सीक्वेंस, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा इंग्लिश का लैंग्वेज का होगा, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव वाला सिलेबस है मेंस में। इसमें आप देखेंगे तो सारा पार्ट जो रहेगा ऑल पार्ट्स आर 50-50 मार्क्स एंड टोटल ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। और देखिए
हर टेस्ट सेक्शन में अलग अलग एग्जाम जो है आपको टाइम दिया जा रहा है, 40-40 मिनट्स रखे गए हैं, जनरल अवेयरनेस में कम है यानी कि 30 मिनट्स है वहाँ पर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर फ्रॉम कंपनी वेबसाइट। अब देखिए इसकी तो आगे का पॉइंट है, स्पेशलिस्ट के लिए जो सिलेबस रहेगा मेन का वो ये है, मेन में मेंस एग्जाम में सिलेबस ये है कि उनके में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज सेम यही सब आएगा, साथ में उनका जो है इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। जो भी उनका फील्ड था स्पेशलिस्ट के अंदर उनके लिए अलग से उनके फील्ड से रिलेटेड जो है वो भी 40 मार्क का पेपर रहेगा जिसमें 35 मिनट्स मिलेंगे। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आपका होगा वो 30 मिनट्स का होगा, उसका ड्यूरेशन आधे घंटे में 30 मिनट का पेपर करना है, 30 मिनट के अंदर 30 मार्क का पेपर करना है जिसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, ऐसे 20 मार्क का रहेगा। ये आपको बता दिया गया है, आपको टाइपिंग करनी है कंप्यूटर में, उसमें आपको एक लेटर लिखना है और एक आपको ऐसे लिखना है, ये चीज़ करनी होगी, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। मिनिमम स्कोर आपको लाना पड़ेगा हर सेक्शन के अंदर शॉर्ट लिस्ट होने के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए। आप अगर ऑब्जेक्टिव में मेंस में अगर आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होने के लिए स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, बाकी आपका जो जर्नलिस्ट था उसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव मोड में जो पेपर होगा वो होगा। और इसमें बोला है डिस्क्रिप्टिव आंसर स्क्रिप्ट वुड बी एवेल्यूटिव ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई। देखिए मैंने आपको भी बताया अभी, जो ऑब्जेक्टिव पास करेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव होगा और उन्हीं का वो एग्जाम चेक होगा, नहीं तो उनका नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड। कट ऑफ जो डिसाइड होगी कि आपको कट ऑफ कितनी रखनी है ऑब्जेक्टिव की, वो बाद में डिसाइड की जाएगी। ईच कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को मिनिमम स्कोर लाने होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शैल बी फॉलो दस 15 मार्क, आपको 15 नंबर लाने हैं डिस्क्रिप्टिव में 30 में से। आप देख सकते हैं इन्होंने बिल्कुल हाफ कर दिया है मार्क्स को, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि इन्होंने लिख दिया है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो आपको 15 नंबर लाने हैं सिलेक्ट होने के लिए, आपको शॉर्ट लिस्ट मतलब लिस्ट में आने के लिए, जो आपकी जॉब वाली लिस्ट रहेगी किस कैंडिडेट को मिल रही है। और अब देख सकते हैं जब डिस्क्रिप्टिव में 15 मार्क रख दिए गए हैं तो मैंने आपको बताया 1/3 से ऊपर मार्क रहेंगे पेपर के अंदर अगर मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाएंगे, अभी रखे नहीं गए। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क इन दिस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टूवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मेन मतलब ये है कि आप उसको क्वालिफाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन के लिए, बट इसके जो मार्क्स रहेंगे उसको आपके इंटरव्यू के लिस्ट के अंदर अलग से नहीं जोड़ा जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। और रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी के लिए बात करी गई है, देयर विल बी पेनल्टी है रॉन्ग आंसर में ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर। ईच क्वेश्चन में जो है, हर क्वेश्चन में जो है 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क्स उसका गलत आंसर पे काटा जाएगा आपके सही आंसर के मार्क्स में से। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका मार्क नहीं कटता है क्योंकि वो एक तरीके से अन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के अंदर आता है। और स्ट्रक्चर एग्जाम का जो है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर चेंज हो सकता है, आपका जो पैटर्न में चेंज हो सकता है अगर कंपनी चाहे आगे तो। इंटरव्यू कैंडिडेट, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोबारा से, एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा है, फिर उसके उसको क्वालिफाई करने वालों के लिए मेंस का एग्जाम हो रहा है, फिर उसको क्वालिफाई कर, वो मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करेंगे तो आपकी लिस्ट में नाम आएगा, जिनका लिस्ट में नाम आएगा उनका इंटरव्यू होगा और किसी का नहीं होगा। कैंडिडेट जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्ट सेंटर, द वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 20:75:25, यानी कि आपका 1/4 जो रहेगा पार्ट वो सिर्फ सिर्फ इंटरव्यू का रहेगा। जैसे आप मान के चलिए कि टूटा पूरा जो पैटर्न जो है वो मान लीजिए 400 नंबर में ख़त्म हो रहा है सिलेक्शन का, तो 300 नंबर का तो आपका एग्ज़ाम का सारा कुछ रह गया और 100 नंबर का जो है वो आपका इंटरव्यू हो गया। ये आपको एक जनरल आइडिया दिया है, इस तरीके से आप समझेंगे इस चीज़ को। वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू आपको बाद में मिल जाएगी, सिर्फ उनको मिलेगी जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो वही सब आपका लिखा है। आप इंटरव्यू लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के बाद, और फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको सब दिखा के अपने जो भी आपने फॉर्म में लगाए और अपने क्वालिफिकेशन वाइज, फिर उसके बाद आपको ये जॉब मिल रही होगी।
देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा, ये सब उससे रिलेटेड है कि फिंगर्स और आपके जो आईडी प्रूफ्स रहेंगे उन सब से। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या दिखाना होगा, आपको दिखाना है इंटरव्यू कॉल लेटर कि आपको ही इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, जिसका आपको प्रिंट आउट लेकर जाना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा गया किसी पोस्ट में तो वो दिखाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर एओ हेल्थ के लिए, और पर्सन फॉलिंग इन कैटेगरी जो कि बी सी डी ई के अंदर आ रहे हैं, नेशनल क्राइटेरिया आपने ऊपर देखा ही होगा, उनको जो है दिखाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो आप फाइनली शिफ्ट हो गए इंडिया के अंदर। जो मतलब मैंने आपको बताया था कि सिटीजनशिप वाला भी दिखाना है कि वो इंडिया में है और इंडिया में किस राज्य में है और कहाँ से हैं, वो बाय बर्थ वहीं से हैं या फिर वो किसी दूसरे स्टेट से आए या कंट्री से आए, तो वो चीज़ आपको बतानी है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो आपकी फ़ीस जो है वो 850 रुपये है उनकी, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस जैसे कैटेगरी से हैं या फिर किसी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से नहीं है, और रिजर्वेशन में एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी को डिसेबिलिटी वालों को 100 रुपीज़ का रहेगा फीस, जो कि जीएसटी के साथ बताया गया है। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर आपको दिखाए गए हैं, एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, ये पहले फेज़ का लिखा है, आप ऐसा मत समझना कि जहाँ पहले फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है वहीं दूसरे फेज़ का एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं होगा। फेज़ सेकंड में एग्ज़ाम के सेंटर कम हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो फेज़ वन के में आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर सेंटर पोर्ट ब्लेयर में होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर आपका चिराला, गुंतूर, हैदराबाद, काकीनाडा, कुरनूल, नेलोर, विजयवाड़ा जैसे जगहों पे हो रहा है, बिहार के अंदर भी लिखा हुआ है, और दिल्ली में आपको बता देता हूँ, दिल्ली में आपका दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम यहाँ हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरुग्राम और ये जो आपका नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ये यूपी में हो जाएगा, यूपी का यहाँ पे शायद उन्होंने जो है प्रेजेंट नहीं करा है, देखिए करा है यहाँ पर, यूपी का अलग से दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वो ग्रेटर नोएडा आना चाहिए था वो दिल्ली के ऑप्शन वाले में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिल्ली यूपी आप समझ सकते हैं कि अगर यूपी में बताऊँ तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा ऐसी जगहों पर है, तो जो भी यूपी से देख रहे हैं तो उनको आपको बता देता हूँ कि इन जगहों पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है। जो कि फेज़ वन में हो रहा है, उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की जैसे जगहों पे एग्ज़ाम होगा, वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं ग्रेटर कोलकाता है और आपका हुगली है और कल्याणी है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी, इन जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये फेज़ वन का था, इसी के साथ फेज़ टू का एग्ज़ाम आपको बता देता हूँ। फेज़ टू में आप देख सकते हैं, फेज़ टू में दिल्ली के अंदर सिर्फ दिल्ली एनसीआर को रखा गया है, और इसी तरीके से आपको दिखा देता हूँ यूपी के अंदर लखनऊ, प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद को जो प्रयागराज है एक ही बात है, आप जो इलाहाबाद से समझे तो इलाहाबाद से समझ लीजिए, इलाहाबाद या प्रयागराज और लखनऊ, तो इन जगहों पर यूपी में एग्ज़ाम होगा। मैं यूपी और इनके लिए बोल रहा हूँ इसलिए दिल्ली में कन्फ्यूज़न क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे कि दिल्ली एनसीआर और यूपी के अंदर आपको क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेनली एक से दो सेंटर या सिटी को रखा गया है, मतलब कि दो सिटी ही रखी गई है, एक से दो सिटी रखी गई है जो फेज़ टू का मेन एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए। अब इसके आगे मैं बढ़ूँगा, आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में इंडिकेट द सेम वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ अवर वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल, कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द ट्रेनिंग विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म वाया रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर। प्लीज नोट दैट मेयरली अटेंडिंग द प्रीलिम्स ट्रेनिंग नंबर कैंडिडेट एक्वायर एनी राइट टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग भी हो रही है, फेज़ वन का जो एग्ज़ाम हो रहा है प्रीलिम्स का, उससे पहले आपकी ट्रेनिंग ली जा रही है, अगर आप चाहते हैं उस एग्ज़ाम की ट्रेनिंग लेना तो ले सकते हैं, और वो बिल्कुल जो यहाँ पर उसकी फ़ीस है या नहीं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं करी, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ही ये ट्रेनिंग मिल रही है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड रहेगा, उसके जरिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म भर के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि फ़ोटो, साइन, जो भी क्वालिफिकेशन वाइज डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आप यहां से अपलोड कर देंगे, उसके बाद फॉर्म की फ़ीस पेमेंट के बाद ये सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस जॉब के लिए अप्लाई होगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये जरूर तैयार रखना है कि फोटो और साइन जो होंगे वो सही फॉर्मेट में हो, जैसे कि जेपीईजी या पीडीएफ जो भी बोला हो। उसके साथ आपका जो साइज लिमिट रखा गया है, जैसे कि 200 KB, 300 KB या जो भी रखा गया है, उसको आपको पूरा तैयार करके रखना है और उसके बाद आपको इसको अपलोड कर देना है। तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ना हो। यहाँ पर जो है एक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मांगा गया है, मतलब आप देखेंगे तो कहीं कहीं फॉर्मों में ऐसा होता है कि हमसे सिर्फ सिग्नेचर ले लिया जाता है और हमारी जो है फोटो अपलोड कराई जाती है, कहीं कहीं जो है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन भी जो है मांग लिया जाता है, राइट हैंड भी हो सकता है लेकिन थंब इंप्रेशन मांगा जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसको आपको पहले पेपर पर लेना है, उसके बाद उसकी फ़ोटो अपलोड होगी। यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा आपकी तरफ से, डिक्लेरेशन आपका यहाँ पे सबमिट होगा इस जॉब से रिलेटेड कि आप यहाँ पर जॉब करेंगे तो वहाँ पीछे से छोड़नी पड़ेगी जहाँ से कर रहे हैं, जो भी कुछ होगा वो डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ से फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे आपके। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या होगा, जैसे कि आपको एक एक चीज़ समझ आए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम के सेंटर में अलाउड नहीं होगा। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपके एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड नहीं होने वाले, जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड रिटर्न, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, ये सब नहीं होगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो ये सब ले जाने की ज़रूरत वहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये तो बेसिक चीज़ें होती है जिसको शायद डिस्कस नहीं भी करें तो वो भी ठीक होगा। अब यहाँ पर आपका है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST। अब देखिए यहाँ पे SC/ST के सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया गया है, ये SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट को भर के सबमिट करना पड़ेगा। अगर उनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया इस जॉब के लिए जो है 21 से लेकर 30 एज रखी गई है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है वो SC कैटेगरी से है और उसकी एज 34 है, तो वो जानता है कि उसको 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो वो यहाँ पर जो है अपने इस फॉर्म को सबमिट करेगा यहाँ पर, तो वो जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा अगर वो 34 एज का होगा तब भी, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज के लिमिट के हिसाब से जो है यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, छूट रखी गई है। ये अलग अलग कैटेगरी के आपको सर्टिफिकेट दिख जाएंगे। यहाँ पे OBC के लिए सर्टिफिकेट है, तो ऐसा ना हो कोई कैंडिडेट देखे कि अगर कोई OBC वाला कैंडिडेट देख रहा है इस वीडियो को, तो वो इस बात को समझे कि वो ऐसा ना करे कि अगर वो SC/ST का सर्टिफिकेट का फॉर्म देखे और उसको भर दे कि मेरे को इसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी का ही भरना होगा तभी आपको उसका जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, अगर किसी कैंडिडेट को सुनने में दिक्कत हो रही है, बोलने में, चलने में, देखने में दिक्कत हो रही है, कोई और डिसेबिलिटी है जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वो इस सर्टिफिकेट को भर के सबमिट करेगा। यहाँ पर एक जो है स्टैम्प होती है वो भी लगाई जाती है, जो कि अथॉरिटी होती है मेडिकल अथॉरिटी, उसके द्वारा डिसेबिलिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, अलग अलग फॉर्म है जिसको भर के सबमिट किया जाएगा। यहाँ पर एक स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म है। स्क्राइब डिक्लेरेशन मतलब होता है अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि किसी ना किसी डिसेबिलिटी के कारण जो है अपने एग्ज़ाम को नहीं लिख सकता है या नहीं दे सकता है, तो वो किसी दूसरे पर्सन को जो है अपने एग्ज़ाम के लिए ले जा सकता है अपना एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। स्क्राइब जो है ये आपका जो है कंपनी, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पर हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्क्राइब जो अलॉट किया जाए, आपको दिया जाए अगर आपको चाहिए, नहीं तो आप खुद से भी स्क्राइब को जो है ले जा सकते हैं अपना एग्ज़ाम दिलवाने, लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है जिससे कि आपका एग्जाम कोई दूसरा कैंडिडेट दे सके, लेकिन उसमें कुछ रूल्स होते हैं वो आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो यही था पूरा सारा कुछ, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये काफी लंबा नोटिफिकेशन था लेकिन आपको एक एक चीज समझ आ गई होगी। यहां पर मैं दोबारा बता देता हूं, 450 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जॉब है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसके अंदर ये जॉब रहेगी, और काफ़ी अच्छी सैलरी मैंने आपको बताई है और काफ़ी इसमें जो है बहुत सारे फायदे बता दिए, सारा कुछ एज सिलेबस सब कुछ बता दिया गया है, तो कुछ यहाँ पर बचा नहीं है।
अब देखिए मेन डाउट ये रहेगा आपका कि जैसे एग्ज़ाम का जो सिलेबस मैंने आपको बताया था, तो सिलेबस में ये था कि आपको बोला गया था कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कहीं कहीं बोला गया था रीजनिंग आ रहा है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आ रहा है, तो उसका जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा। अगर जैसे जर्नलिस्ट में देखेंगे तो आपका ग्रेजुएट लेवल तक का आएगा, और आप अगर दूसरा देखेंगे जैसे कि स्पेशलिस्ट का देखेंगे तो स्पेशलिस्ट में आपको बोला गया था जैसे इंजीनियरिंग बोला गया है रिस्क इंजीनियर, तो रिस्क इंजीनियर में क्या रहेगा, रिस्क इंजीनियर में आपको इंजीनियर लेवल तक का उसका एग्ज़ाम का टफेस्ट लेवल रहेगा। तो ये आप समझिए, आप ऐसा मत समझना कि जर्नलिस्ट जैसा ही आपका सिलेबस का लेवल या जो हार्डनेस है वो रहने वाली है, तो अलग अलग हो सकती हैं इसके लिए। बाकी सब आपको बता ही दिया है, और बस इसी के साथ इस वीडियो को कर रहे हैं हम ख़त्म, और मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।